क्या हाल है? और मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहा है और हिंदी लैंग्वेज में, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये पूरे इंटरनेट पे कहीं भी इस तरह से एक साथ अवेलेबल नहीं है। और ये काम मैंने हर डिसेबिलिटी के साथ किया, जो इन्फॉर्मेशन इधर उधर कहीं नहीं था तो उसको बेस्ट वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश की मैंने। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो खैर तुम सेलेक्ट करके ही आए होगे, और वो है एपिलेप्सी, और मतलब मिर्गी जिसे हम बोलते हैं, या दौरे आना जिसे कहा जाता है। तो अभी तक ये वीडियो क्यों नहीं आया था इसका एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह जानोगे तो काफ़ी आपको जान के खुशी होगी, क्योंकि अभी तक जो एपिलेप्सी था उसको एज ए डिसेबिलिटी काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन अभी जो गैजेट ऑफ इंडिया है 2024 में, जो इसका दोबारा से जो एक पैनल बैठा, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं बाद में इस वीडियो में डाल दूंगा कि पैनल में कौन कौन था और क्या वो डिसीजंस हुए। और लेकिन फाइनली जो कंक्लूज़न निकल के आया वो ये निकल कर आया कि एपिलेप्सी मिर्गी अब एक डिसेबिलिटी घोषित हो चुकी है। मतलब कि आप अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो टेम्प्रेरी होगा, परमानेंट होगा, वो डिपेंड करता है आपकी डिसेबिलिटी पर, और आप वो सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि किसी दूसरी श्रेणी को दिया जाता था जो डिसेबिलिटी में आती है। तो अभी तक के सवाल ये थे बच्चों के कि एपिलेप्सी पर एक वीडियो लेकर आओ, तो ये आ रही है वीडियो, आप जब देख रहे हो, आज देखो, कल देखो, आने वाले कुछ सालों में देखो, और जब भी देखो अपना प्यार बरकरार रखो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये काम ज़रूर ज़रूर कर ही दें। चलो ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैं बता चुका हूँ, खैर इम्पॉर्टेंट तो ये है, पर दूसरा सवाल जो था कि क्यों ये डिसेबिलिटी नीट में नहीं है, क्यों ये डिसेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, क्यों ये डिसेबिलिटी आईआईटी जेई के अंदर नहीं है। तो ये नहीं है वाली बात अब अधूरी हो चुकी है, क्योंकि 2024 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपको 2025 नीट में ये रिजर्वेशन देखने को मिले। आई एम वेरी वेरी होपफुल फॉर दिस। मुझे लगता है कि ज़रूर इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, और जेई में भी यही सिनेरियो रहने वाला है, और आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में भी होने वाला है। अब अलग तरह के सवाल अराइज होना शुरू हो जाएंगे कि डिसेबिलिटी परसेंटेज का कैलकुलेशन क्या होता है, कितना डिसेबिलिटी परसेंटेज आपको होना चाहिए जो कि आपको रिजर्वेशन दिलवा सके, और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, और गाइडलाइंस क्या हैं। लंबा वीडियो हो सकता है, पर वीडियो को अंत तक देखना, एक एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, और इसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर मैं कुछ मिस कर देता हूं, जो कि होने नहीं वाला है। बिकॉज आपके क्वेश्चंस को लेकर ही और अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके मैंने इस वीडियो को मतलब तैयार किया है, इसका स्क्रिप्ट जो मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ, हियर इट इज़। सो अगर फिर भी कुछ रह जाता है, सो आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस एंड क्वेश्चंस, कमेंट सेक्शन खुला है, देरी हो सकती है जवाब देने पर, जवाब आपको मिलेगा ज़रूर। बाकी आप मेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम पर और बाकी और सोशल मीडिया साइट्स पर भी मुझसे जुड़कर अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे फॉलो ज़रूर कर लो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आपको ये इंस्टाग्राम पर मिलेगी और टेलीग्राम पर मिलेगी, क्योंकि बार बार एक वीडियो को देखना शायद आपके लिए आसान ना हो, मेरी बकबक सुन के शायद आप बोर हो जाएं, तो ये रिटर्न फॉर्म में अगर आपके पास होगा तो उसको आप तुरंत अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हैं। चलो शुरू कर देते हैं भाई, है ना। चलो देखो, सबसे पहली बात तो एपिलेप्सी या मिर्गी जो है वो एक ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, और इसके अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है माइंड में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो चार्जेस हैं या न्यूरॉन में आपके सिग्नल जा रहे हैं, अगर आप समझ रहे हो इस बात को समझ लो, नहीं तो स्किप कर देना। तो उसकी वजह से आप हाइपर एक्टिविटी करने लगते हो एकदम, और अनकॉन्शियस होके ये काम होते हैं, इसको दौरे पड़ना बोलते हैं। आपने शायद किसी को देखा हो या कभी वीडियो वगैरह देखी हो या सुना तो आपने ज़रूर होगा। तो ये क्यूरेबल है, 70% इसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर
अगर इसका इलाज संभव ना हो पाए या इलाज ना हो पा रहा हो तो इस कंडीशन में आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप अपने नज़दीकी डिसेबिलिटी जो ऑफिस है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही होता है, और आपके नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं जो आपका इलाज कर रहे होंगे, जहाँ पर आप नॉर्मल जाते हैं, वही इसको असिस्ट करके आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आज ही अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएं और जिस डॉक्टर से आप बात करते हैं, अगर प्राइवेट जाते हैं तो गवर्नमेंट से जाके बनेगा, वहाँ जाकर अपनी हिस्ट्री उनको दिखाएं, अपनी जाँच कराएं और अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लें। चलो, गाइडलाइन क्या है। सबसे पहली बात याद रखना कि एपिलेप्सी को, जो कि क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके बावजूद भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही डाला गया है। क्यों डाला गया है इसकी कोई क्लियर वजह तो नहीं है, लेकिन इसका असेसमेंट एज अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी ही होगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी या क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर दोनों में फिल कर देख सकते हैं। अगर क्रोनिक में ना आए तो आप फिर लोकोमोटर में डालना, वहाँ पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में इस बात को क्लिक कर रहा हूँ ताकि फॉर्म भरते हुए या आगे किसी एप्लीकेशन में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलो, अच्छा याद रखना बेटा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों का बन सकता है, उन्हीं कैंडिडेट्स का बन सकता है जिनको ये बीमारी 6 महीने से अधिक समय तक हो। वैसे तो 3 महीने भी वहाँ पर लिखा है गजट में, लेकिन क्लैरिटी से नहीं है, 6 मंथ एटलीस्ट ये आपको डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो जाए, बहुत हाई कंडीशन का, जो काफ़ी लगातार दौरे आ रहे हों, आपको इस तरह का एक कंडीशन अगर देखने को मिले तो तुरंत भी सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 6 महीने का जो जाँच आपको इसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और याद रखना बच्चों, अगर आप नीट के लिए जा रहे हो, IIT JEE के लिए जा रहे हो और आप इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, एपिलेप्सी के शिकार हैं और आप PWD रिजर्वेशन चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 40% होनी ही चाहिए और डिसेबिलिटी की, और 40 से नीचे होने पर आपको इसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं है, देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है, बिकॉज अगर आपकी परसेंटेज 40 पहुँच जाती है, तो इस वीडियो के एंड में बताने वाला था लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, तो ये कंडीशन आपकी सीवियर कंडीशन में पहुँच जाती है। सीवियर कंडीशन का मतलब है कि आपको 1 महीने में 6 दौरे या 10 दौरे तक भी आ जाते हैं, इतने सीजर्स आपको आ जाते हैं। तो अगर इतने सीजर्स आप फेस कर रहे हो तो आपको पढ़ाई करने में, जॉब करने में दिक्कत जरूर होगी, तो रिजर्वेशन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो कंडीशन है 40% वाली, आई थिंक ये यहां पर एप्लीकेबल शायद ना हो, क्योंकि कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज हैं जहां पर 40% से कम वालों को ही एलिजिबल माना जाता है और 40% से 80% वालों को इनएलिजिबल माना जाता है। आप इसमें मेंटल इलनेस के केस को ले सकते हैं एज एन एग्जाम्पल। चलो मैं बात करता हूँ, अभी तो इसके ऊपर क्लियरेंस है नहीं, ठीक है, तो मैं इस बात का क्लियरेंस आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा नीट का, उसके नोटिफिकेशन के ऊपर ही आपको दे पाऊंगा। जेई वाले तो अपना क्रॉनिकल के अंडर इसको भर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी डिसेबिलिटी से हैं, अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आप IIT JEE का फॉर्म भर सकते हो। नीट वालों को थोड़ा केयरफुल होकर भरना होगा, चैनल से जुड़े हो तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलो, तो बात क्लियर हो गई ना कि अभी 40 वाला एप्लीकेबल होगा या 40 से कम वाला एप्लीकेबल होगा, उसको हम जरा नोटिफिकेशन को आने पर ही देखेंगे। लेकिन अगर हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करें तो वो 40% से ऊपर ही होगी। खैर, 40% का कोई क्राइटेरिया है नहीं गजट में, सीधा आपको परसेंटेज या तो 25 मिलेगी या 20 मिलेगी या सीधा 50 मिलेगी। ठीक है, मैं बताता हूँ आगे कैसे मिलेगी। तो रिजर्वेशन के लिए तो एटलीस्ट आपको 40% क्रॉस होना चाहिए, तो मतलब 50% एटलीस्ट हो तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा अंडर PWD। मतलब आप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको पेंशन, फ्री ट्रैवल और रेलवे पास, कंसेशन पास और बहुत तरह का जो कंसेशन PWD को मिलता है, जैसे फ्री फास्टैग कार्ड एंड ऑल, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें ये आप अवेल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, जॉब्स के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ा सा अलग सिनेरियो रहता है। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर पहली बात तो यह है कि परमानेंट सर्टिफिकेट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, जब तक आपकी कंडीशन बहुत बहुत सीवियर ना हो तो परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर टेम्परेरी सर्टिफिकेट ही दिया जाएगा। अगर आपकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, आपका इलाज अभी 6 महीने पुराना ही है, तो शायद आपको इस केस में टेम्परेरी सर्टिफिकेट दिया जाए जिसकी वैलिडिटी 2 साल की होगी। 2 साल बाद तक जब भी आपका बीच में इलाज चलेगा, आपको दोबारा से असिस्ट किया जाएगा 2 साल बाद, और अगर डॉक्टर्स को लगता है कि हाँ भाई कम हो रहा है तो टेम्परेरी को भी हटा दिया जाएगा।
और लगता है नहीं कुछ नहीं हो रहा तो वो टेम्परेरी रहने दिया जाएगा, उनको लगता है कि नहीं भाई अब इलाज तो बेहतर नहीं हो सकता, बढ़ रही है डिसेबिलिटी, तो उसको परमानेंट पे चेंज कर दिया जाएगा। मतलब पहले टेम्परेरी ही मिलेगा, इन केस बहुत ज़्यादा ही सीवियर केस है, बहुत बड़ा ही तगड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, मतलब सीजर्स लगातार बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आपको इस केस में शुरू में ही परमानेंट सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ओके, अच्छा कुछ ऐसे कोमॉर्बिटीज़, हाँ कोमॉर्बिटीज़ इसको बोलते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि कुछ इस तरह की और कंडीशंस हैं जो कि आपको इस बीमारी के दौरान फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो परसेंटेज कैलकुलेशन है वो बढ़ती है। मतलब खाली दौरे आने से ही आप इस बीमारी में आपकी परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होती, साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि गिने जाते हैं, जैसा कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस और डायबिटीज़, माइग्रेन, स्ट्रोक, हार्ट डिसीज़, अस्थमा, यूरिनरी, हाँ मतलब यूरिन करने में मतलब दिक्कत होने लगे, इस तरह की कंडीशंस आती हैं। देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। मान लो आपको एक दो दौरे बीच में आए, ठीक है, तो अब आपको हमेशा ये लगेगा कि यार मुझे अगला दौरा पता नहीं कब आ जाएगा, मैं लोगों के बीच में होऊंगा तब आ जाए, ऑफिस में हूँ तब आ जाए, बेइज्जती हो जाएगी, स्कूल में हूँ तब आ जाए, कॉलेज में हूँ तब आ जाए, रोड पे आ जाए तो क्या होगा, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तब आ जाए तो क्या होगा, मैं खुद को भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ, दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकता हूँ, या मैं स्विमिंग पूल में हूँ तो आ जाए, अगर मैं नदी किनारे नहा रहा हूँ तब आ जाए, या मैं कहीं चढ़ रहा हूँ तब आ जाए तो शायद मैं गिर पड़ूँ, तो इस तरह का डर हमेशा आपके दिमाग में रहता है, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब चीज़ों में डाल देगा। तो जो स्कोरिंग रहती है वो सबसे पहले ये होता है कि माइल्ड, मतलब आपको अगर सीजर्स नहीं आते या बहुत कभी आ गए हों दो साल में एक बार, तो इसमें आपका परसेंटेज जो है वो निल रहेगा, मतलब आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर मॉडरेट है, मतलब 1-5 दौरे आते हैं आपको महीने में, तो 25%, और आपको सीवियर कंडीशन का मतलब 6-10 दौरे एक महीने में आ जाते हैं तो 50%, और बहुत ज़्यादा सीरियस केस है मतलब 10-ज़्यादा दौरे आपको एक महीने में आ जाते हैं तो ये 75% का बन जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया जो कोमॉर्बिटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा जो आपको इसके साथ ये जो परेशानियां और झेलनी पड़ती हैं, ये आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन को बढ़ाएंगी। लास्ट में मैं बात करता हूँ, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और ये लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें नहीं अवेलेबल तो डिसेबल पर्सन लोगों के लिए बहुत कम लोग सोचने वाले हैं, और अगर आप उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसे सपोर्ट करेंगे। और अगर आप IIT और JEE और PWD का रिजर्वेशन नीट में लेना चाहते हैं और उसका जो असेसमेंट होगा, क्योंकि बेटा क्रॉस वेरिफिकेशन होती है डिसेबिलिटी एडमिशन से पहले, काउंसलिंग के दौरान या काउंसलिंग के बाद या काउंसलिंग से पहले, हाँ IIT में, JEE में एंड नीट में, और आपकी गवर्नमेंट जॉब में भी जॉब की पोस्टिंग से पहले आपकी डिसेबिलिटी को एक बार रीअसेस्ट किया जाएगा, वेरिफिकेशन दोबारा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग फेक सर्टिफिकेट बनाकर भी आ जाते हैं, लिंक से, पैसे से, बहुत तरीके हो सकते हैं, तो उस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए कि अनडिजर्विंग लोग डिजर्विंग लोगों की सीट ना खा जाएं, तो उसके लिए रीअसेसमेंट होगा। तो असेसमेंट में आप पास हो जाएं, पर अगर रीअसेसमेंट में फेल हो गए तो नीट स्कोर जो मर्जी हो, IIT स्कोर जो मर्जी हो, मेंस का या एडवांस का, आपको PWD का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल कैंडिडेट की तरह फिर काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, और हो सकता है आपकी वो काउंसलिंग को भी कैंसिल कर दें अगर वो आपको गलत पाएं। तो बच्चे इस चीज़ से बचने के लिए, मतलब चाहे आप जेन्युइन केस ही क्यों ना हो, फिर भी बेटा जो चेकिंग होती है वो इतनी ईजी नहीं होती, तो उसमें प्रिपेयर होने के होकर जाना ज़रूरी है। तो वो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, पूरी गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर है, और इस वजह से आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज्वाइन करें SVP इंस्टीट्यूट को एज ए मेंबर, और मेंबरशिप मतलब गोल्डन मेंबरशिप आप ज्वाइन करें, ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के बगल में वो बटन है ज्वाइन बटन, वहाँ पर जाकर ले लें, जहाँ पर आपको दिखाई देगा मतलब अलग अलग तरह की जो मेंबरशिप प्रोग्राम्स हैं, उसके अंदर एक प्रोग्राम है PWD प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर नीट 2025 एंड JEE 2025, तो आप उसे ज्वाइन कर लें, चाहे आप IIT से हैं, चाहे JEE से हैं, मतलब IIT, JEE या नीट जो भी आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं आपको आपके PWD वेरिफिकेशन में हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, ताकि आप उसमें बेहतर कर सकें और अपना एडमिशन या जॉब सिक्योर कर सकें। तो अभी कर दें, वेट ना करें, संडे से क्लासेस चालू हैं। थैंक यू सो वेरी मच।